टैक्स चोरी ही होता है, टैक्स अवॉइड ही करना चाहिए, देना नहीं चाहिए। अब कम से कम एक बिहेवियरल चेंज आया है कि लोगों को लग रहा है अरे दे दो यार, कौन वरना टैक्स वाले पीछे पड़ जाएंगे, ईडी पीछे पड़। तो एक जो बहुत ही मानसिकता में, सोच में बदलाव आया है, आपको नहीं लगता कि डीमो की वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है? देखिए वही बात है ना राहुल, मुझे तो बड़ा अजीब लगता है कि सरकार अभी भी इस अड़ियल रवैये पे बैठी है कि हमने नोटबंदी करके बहुत कुछ हासिल कर लिया। जो 125-150 लोग मर गए लाइनों में खड़े हुए, उनकी मौत के लिए कौन जिम्मेदार था? और आप जो टैक्स की बात करते हैं, पीयूष जी ने कहा कि टैक्स कलेक्शन बढ़ गया है, नोटबंदी के बाद टैक्स कलेक्शन का जो नंबर ऑफ पीपल जो टैक्स देते थे वो 25% बढ़ा है, उससे पिछले साल 27% बढ़ गया था। और आपको अगर छापेमारी करनी है, कालाधन खत्म करना है, टैक्स बेस बढ़ाना है, तो नोटबंदी करने की जरूरत नहीं थी। नोटबंदी से उस पर प्रहार हुआ है जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, जो आम जनता, जो 60-70 करोड़ लोग हैं, वो अधिक प्रभावित हुए हैं। जैसा कहा ना कि एक तालाब में आपने सारा पानी निकाल दिया ये सोचकर कि मगरमच्छ मर जाएगा, तो मछलियां मर गई लेकिन मगरमच्छ पैर निकाल के बाहर चला गया। मुझे लगता है कि ये एक प्रोपेगेंडा के तहत किया गया, कोई बहुत ज्यादा सोच समझ के नहीं किया गया। मुझे आज तक ये नहीं पता कि नोटबंदी का निर्णय आरबीआई का था या भारत सरकार का था। और इतनी पारदर्शिता होनी चाहिए सरकार को कि बताएं अब तक कितना पैसा वापस आया है। आपने कहा था 1,00,000 करोड़ काला धन है, 99% पैसा अगर बैंक में वापस जमा हो गया तो काला धन गया कहां? और आरबीआई ने 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए नए नोट छापने के लिए, कहा कि बड़े नोटों से काला धन पैदा होता है। अरे बड़े नोट पहले 1,000 था, आज 2,000 कर दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार की मंशा जो थी उसके अनुरूप वो लोग कामयाब हो पाए हैं। आज एक साल के बाद वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि नोटबंदी हो सकता है गलत कदम था। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार में रहते हुए लोगों को बड़ा दिल रखना चाहिए, कभी कोई गलती भी हो तो स्वीकार कर लो कि भाई हमने जो सोचा था वो नहीं कर पाए, आगे जाके ठीक करेंगे। तालाब में छोटी मछलियां मर गई लेकिन जो मगरमच्छ है वो तो बाहर निकल गया। नहीं तो इसकी जानकारी अगर सचिन जी के पास है तो हमें मदद करें कि हम जो मगरमच्छ क्रिएट किए गए थे पहले, उनको भी हम जल्द से जल्द कटघरे में खड़ा कर सके। सचिन जी आप गलती यहाँ कर रहे हैं कि आपको ध्यान में नहीं आ रहा है फॉर्मलाइज होने से इकोनॉमी कैसे कामगार मजदूर गरीब को फायदा होता है। आज 1,03,00,000 एडिशनल ईपीएफओ में सब्सक्राइबर्स आए, कोई वर्ष में पहले कभी इतने वृद्धि नहीं हुई। ईएसआई में 1,30,00,000 नए ईएसआई के सब्सक्राइबर्स आए, तो सीधा 5-6 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य की सेवाएं मिल जाती हैं। अब ये सब क्यों हुआ? क्योंकि लोगों ने फॉर्मल इकोनॉमी में जुड़ के आज तनख्वाहें ऑफिशियल चैनल से देने शुरू की, उससे साथ में मिनिमम वेजेस देने के लिए भी बाध्य हो गए। हमने 42% मिनिमम वेज बढ़ाया था इस सरकार ने सभी सेक्टर्स के लिए। तो आज एक गरीब आदमी जो कामगार है उसको एक अच्छा जीवन जीने के लिए जो मिनिमम वेजेस भी नहीं मिलता था, जिसको स्वास्थ्य सेवा या सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती थी, वो हमने सुनिश्चित किया। पर पीयूष जहां तक इनकम टैक्स के पेज की बात है, हम तो कह ही रहे हमने 2014 से लगातार ये सिलसिला चालू रखा है काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये चालू चलता रहेगा। और इसी के कारण है कि द टैक्स बेस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, टैक्स बेस बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि टैक्स रेट्स कम करने में भी सरकार का साहस बढ़ेगा। और अब ये बार बार इनके मन में है कि आरबीआई ने किया या गवर्नमेंट ने किया, इसके ऊपर तो मैंने ही स्पष्टीकरण दी थी पार्लियामेंट में, फिर एक बात समझा देता हूँ, शायद समझने में कुछ कठिनाई होगी कांग्रेस के मित्रों को। ये निर्णय आरबीआई के बोर्ड पे दिया गया एज अ रिकमेंडेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, उस बोर्ड ने उसको स्वीकृत करके फाइनल जो कॉल लेना होता है वो कैबिनेट ने लेना होता है। तो एक वेल एस्टैब्लिश प्रोसेस है जो रिजर्व बैंक एक्ट में स्टिपुलेटेड है, स्वाभाविक है उस प्रोसेस के तहत इसका निर्णय आरबीआई और गवर्नमेंट के दोनों की मिली सहमति से ये निर्णय लिया।